नमस्कार, आप देख रहे हैं चत न्यूज लाइव टीवी। बुधवार को अशोकनगर में ब्राह्मण युवा सेना समाज द्वारा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया। इसमें चिंता जताई कि ब्राह्मण समाज की उपेक्षा की जा रही है, वहीं शिक्षित युवाओं को आज रोजगार प्राप्त करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। परंतु आज अनारक्षित वर्ग के लिए उसमें एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। ये हमारे सामान्य वर्ग की युवा के साथ बड़ा ही अन्याय है। दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान जी ने रीवा में 28 जनवरी 2021 को एक कार्यक्रम में घोषणा की थी कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे गरीब कुचले ब्राह्मणों को उसमें अधिकार मिल सके। परंतु आज दिनांक तक किसी प्रकार की घोषणा का पालन नहीं किया गया। इसी के हम विरोध करते हैं और आगे भी हम ऐसे विरोध जताते रहेंगे। यदि हमारी ये मांग पूरी नहीं हुई तो हम प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। आज क्या आपने प्रदर्शन? आज हमारे युवा सेना द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमने ये मांगे रखी है कि हमारे ब्राह्मण बंधुओं को जो मंदिर पर पूजा रत्न है उन्हें दक्षिणा दी जाए, 5,000 रुपए मासिक वेतन मांग बांधा जाए, एवं उनके पास जो भूमि मंदिर की रहती है वो आज कब्जेदारियों ने कब्जा कर लिया है, उन्हें भी वह भूमि कब्जा मुक्त कराकर प्रदान की जाए।